धर्म, कोई भी धर्म मानने वाले हो आप जा सकते हो अंदर और आप प्रार्थना दुआ जो भी है आप कर सकते हो। और देख सकते हैं ओवरऑल व्यू यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा है आपको। काफ़ी बड़ा लाइन है तो नंबर लगाना पड़ेगा हम लोग को भी। आइए आपको अपने साथ एक और खूबसूरत सफ़र पर लेके चलता हूँ। लोटस टेम्पल भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। लोटस टेम्पल एशिया महाद्वीप का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे मूर्ति पूजा नहीं होती। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं लोटस टेम्पल और लाइन में लगे हुए हैं और इस लोटस टेम्पल को देखने के लिए रोजाना करीब 10,000 लोग आते हैं। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं अंदर। आप गेट से अंदर आएंगे तो देख सकते हैं सामने ही दिख जाएगा। और यहाँ पे आप मंडे को ना आए हैं क्योंकि वो बंद रहता है और ये सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ओपन रहता है। और ये लोटस टेम्पल दिल्ली के नेहरू प्लेस में स्थित है। देख सकते हैं ये काफ़ी सुंदर दिख रहा है सीन, देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। ये टेम्पल करीब 26 एकड़ क्षेत्रफल में बना हुआ है और इसको 700 टेक्नीशियन और इंजीनियर और कलाकारों ने मिलकर बनाया था और बन के 1986 में रेडी हो गया था। ये लोटस टेम्पल बहाई धर्म की अवस्था से जुड़ी एक पवित्र और धार्मिक स्थल है जिसका स्थापना बाहुल्ला ने की थी जो कनाडा के रहने वाले थे। अगर आपको फुल डिटेल्स में बहाई धर्म के बारे में जाना है तो आप वहाँ जाके फुल डिटेल ले सकते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हैं लोटस टेम्पल ये रहा और यहाँ पे ग्रास भी कटिंग हो रहा है आप देख सकते हैं ये। और यह सभी धर्मों के लिए खुला हुआ है। और चलिए हम आपको कुछ ड्रोन शॉट लेके देते हैं, यहाँ पे ड्रोन शॉट लेते हैं। तो चलिए हम ड्रोन शॉट लेते हैं कुछ, क्योंकि तो यहाँ से काफ़ी सुंदर आने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ, ड्रोन शॉट देखते हैं। इस टेम्पल की ब्यूटीफुल लुक देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं और इस टेम्पल की चारों तरफ से 9 तालाब बना हुआ है देख सकते हैं आप। और इसमें इसका जो गार्डन देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। और इसमें टोटल 27 पंखेड़ियाँ लगा हुआ है, गुलाब का पंखेड़िया 27 लगा हुआ है जो कि ओवरऑल लुक देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत लग रहा है पूरा ग्रीन। फाइनली हम लोग करीब ही पहुँच चुके हैं। तो देख सकते हैं आप कितना, इसके अंदर जाना शायद अलाउ नहीं है क्योंकि ये बैरियर लगाया हुआ है। और देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये कटिंग किया गया है यहाँ पे। और ये अपनी लुक की वजह से कई अवार्ड भी जीत चुके हैं। और इस कमल की मंदिर को मॉडर्न भारत 20वीं सदी में ताजमहल भी कहा जाता था। और लोटस टेम्पल की हाइट की बात करें तो 42 मीटर लंबा ये है। यह मंदिर दुनिया के बहाई समुदाय के लोग के सातवें प्रमुख स्थलों में से एक है और इस मंदिर का आर्किटेक्चर फारी बोर्ड साहब ने डिज़ाइन की थी। आप एक बैग उठाना पड़ेगा, उसमें अपना शू डालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अंदर जा सकते हैं। तो हमने बैग में रख लिया है अपना शूज़ और वहाँ पे जमा करते हैं। और शूज़ का रखने का कोई फी नहीं लगता है बिकॉज़ यहाँ सब कुछ फ्री है, फी भी कुछ भी नहीं लगता है। तो हम चलिए वहाँ जल्दी से जमा करते हैं। जमा हो गया और हमें टोकन मिल गया है, ये टोकन से ही हमें शूज़ मिलेगा और ना ये टोकन ये गुम हो गया तो हमें ये शूज़ मिलेगा नहीं। हम पहुंच चुके हैं काफ़ी करीब। काफ़ी हाइट में है और हम लोग फोटो में देखते हैं तो काफ़ी छोटा दिखता है तो, और बाकी काफ़ी हाइट में है। तो हम लोग फाइनली चढ़ रहे हैं सीढ़ी और ये सीढ़ी काफ़ी बड़ा है क्योंकि ये हाइट में बनाया गया है। और इस मंदिर के पास में जो ये मेट्रो स्टेशन है वहाँ से आप आ सकते हैं। कलांकाजी जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ से आप 5 मिनट का रास्ता है तो पैदल भी आ सकते हैं। और हम आ चुके हैं फाइनली ऊपर और काफ़ी लंबी चौड़ी यहाँ से सीन लग रही है, बहुत बड़ी दिख रही है। और तालाब देख सकते हैं यहाँ का, तालाब लेके चलते हैं, देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं पूरे, कितना खूबसूरत है देख सकते हैं जूम करके। अंदर जाने के लिए काफ़ी नंबर लगाना पड़ेगा। देख सकते हैं ओवरऑल व्यू यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा है आपको। तो यहाँ काफ़ी बड़ा लाइन है तो नंबर लगाना पड़ेगा हम लोग को भी। देख सकते हैं हम लोग लाइन में हैं, अंदर जाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। और ये देख सकते हैं ये बना हुआ पत्थर का, तो फिर यहाँ से यहाँ लाइन लगना पड़ेगा। और तो बाहर का सीन देखिए, यहाँ जब आप पहुँचेंगे तो आपको यहाँ समझाया जाएगा कि आपको अंदर फ़ोन यूज़ नहीं करना है
और इस टेम्पल के अंदर आपको अनेक धर्मों की किताबें मिल जाएंगी जो आगे आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे। तो अब हम लोग चलते हैं अंदर और अंदर का सीन देखते हैं। तो फाइनली आ गए अंदर। यहाँ पे कोई भी मूर्ति या कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सभी लोग अपना अपना प्रार्थना कर रहे हैं। फाइनली हम आ चुके हैं बाहर, और इसमें जो कैपेसिटी है बैठने के अंदर की, इसमें 24 लोग एक साथ बैठ सकते हैं जो कि काफ़ी बड़ा है। फाइनली हम बाहर आ चुके हैं अंदर में। कोई भी किसी के धर्म, कोई भी धर्म मानने वाले हो, आप जा सकते हो अंदर और आप प्रार्थना दुआ जो भी है आप कर सकते हो। और आपको एक और बात बता दूँ कि बहाई धर्म का जो स्थापना बाहुल्लाह ने ही की थी, और बहाई धर्म के अनुसार भगवान केवल एक ही हैं। और आपको एक बात और बता दूँ कि यहाँ पे ज़ोर ज़ोर से आप अंदर में कुछ नहीं बोल सकते हैं, और यहाँ पे किसी भी तरह के संगीत और गाना बजाना नहीं गा सकते हैं, अनुमति ही नहीं दी गई। और अंदर में कुछ नहीं है, बस एक ये देखिए थोड़ा गंदा पानी है। इसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि ये सिक्का पड़ा हुआ है नीचे में, आप देख सकते हो। यहाँ पे कुछ कॉइन्स डालते हैं सब, पैसा वैसा जो भी है। ये टेंपल का बाहर का सीन रहेगा आपको। ये इस जिंदगी की तेज रफ्तार में मैं जहाँ भी जाऊँ आप मेरे साथ हमेशा रहोगे। लाइन से जाते हैं, देख सकते हैं आप, हर कौम के लोग जाते हैं। आप अब हम चलते हैं बाहर, क्योंकि हमने पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है, पूरा ऑल ओवर जो टेंपल का टूर था मैंने करा दिया है। तो अब हम लोग चलते हैं बाहर। और आपको ये वीडियो मेरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके जाएं। सारे कितने सारे लोग आ रहे हैं देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कुछ फ़ोटो शूट करने वाले हैं, जो फोटो यहाँ पे सामने फ़ोटो शूट करके हम चलेंगे अब बाहर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बन रही है मेरे साथ, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब आपको लेके चलते हैं कुतुब मीनार। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कुतुब मीनार के लिए रेडी रहिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आपको कुतुब मीनार लेके चलना है। तो बाय मेरे साथ।